नमस्कार, आइए मैं इस बार हम इस बात पर प्रकाश डाल लेते हैं। जो लोग, इससे पहले जरूरी सूचना, जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। ये कनिष्ठा उंगली और इसकी लंबाई लगभग सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच चुकी है। ज्ञान की कोई भी किसी भी प्रकार की कमी यहाँ पर नहीं लगती। आप अपने वाणी से, अपने ज्ञान से दूसरे को अगर कोई माल फेंकना हो या किसी को कोई बात समझानी हो, उस चीज़ में पूरी तरीके से समर्थ है यहाँ पर। सिर्फ अपनी बात को समझाने के लिए या दूसरे को बताने के लिए आपके पास ये टावर अच्छा है। आमदनी के लिए, व्यापार करने के लिए भगवान ने आपको ये उंगली, उचित उंगली दी है, यानी ज्ञान की कोई कमी नहीं है। इस्तेमाल की कमी, वो बातें बताऊंगा। अब आइए बात कर लेते हैं सूर्य के पहले पर्व। पहले पर्व के ऊपर ये उंगली खड़ी है यहाँ पर अनामिका, और ये सीधी तरीके से जा कर के बहुत बलिष्ठ होती हुई सीधे तरीके से एकदम खड़ी हुई है, और साथ ही साथ शनि पर्व के साथ, शनि रेखाओं के साथ और शनि की उंगली के साथ पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। जब इस तरह की स्थिति होती है तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार वालों को भी संग ले करके चलता है। माता पिता के साथ बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ होता है। बात कर लेते हैं आपकी शनि की उंगली की। ये शनि की उंगली और ऊपर जा कर के ये टेढ़ी हो गई है। जब जब इस तरह की स्थितियाँ होती हैं तो व्यक्ति को शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी में ज़्यादा परेशानी होती है। साथ ही साथ एक कर्व ऊपर थोड़ा सा एक कट लगा हुआ नज़र आता है और ये नीचे वाला जोड़ भी कुछ उठा हुआ है यहाँ पर। तो जब इस तरह की स्थितियाँ होती हैं तो व्यक्ति के पास में धन जो है उसका इन्वेस्टमेंट भी लगातार लगा रहता है, और शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी में उसे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर एक, यहाँ पर ये जो कट लगा हुआ है ऊपर ये वाला, ये अपने आप में बताता है कि जीवन में एक बार आपको बहुत मोटे धन का नुकसान भी होगा। तो वो किसी को देना पड़ सकता है या कोई लेके भाग सकता है, कुछ भी स्थिति हो सकती है। यहाँ ये बृहस्पति की उंगली की बात कर लें। बृहस्पति की उंगली, इसका जुड़ाव शनि की तरफ यानी व्यक्ति का धन की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान और होना भी चाहिए। यहाँ कर्म से करते हैं, ये कर्म से धन का कमाने की उम्मीद करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चोरी के द्वारा, कर्म के द्वारा, ये कर्म के द्वारा धन को कमाने की बहुत ज़्यादा प्रयास भी करते हैं और मेहनत भी करते हैं। साथ ही साथ ईश्वर के प्रति भी आस्था इनकी बनी रहती है। आइए बुध पर्वत की तरफ चलते हैं। बुध की उंगली बहुत अच्छी मिली, बुध का पर्व भी अच्छा मिला, और साथ ही साथ पर्व पर खड़ी हुई ये रेखाएं भी अपने आप में अनुकूल रेखाएं हैं। ये रेखाएं, जहां मैंने बताया था ज्ञान के द्वारा, निर्णय के द्वारा, वाणी के द्वारा, ये चीज़ें बताती हैं कि आप अपने आप में व्यापार करने में भी समर्थ है, नौकरी करने में भी समर्थ है। आपके पास ये अच्छी रेखाएं यहाँ इस बात को उद्घोषित करती हुई हैं। चलिए, ये बुध पर्वत भी आपका अनुकूल निकला। आइए सूर्य पर्व की ओर चलते हैं। सूर्य पर्व और सूर्य पर्व पर ये खड़ी हुई रेखाएं यहाँ पर एक अच्छी तरीके से, साथ ही साथ नीचे एक ट्रायंगल भी बना हुआ है और नीचे छोटा ट्रायंगल भी बना हुआ है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यदि आपने 35 वर्ष की उम्र तक यदि गवर्नमेंट जॉब का इंतजार किया होगा तो 35 वर्ष के बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने का बहुत ही अच्छा इंडिकेशन आपके हाथ के अंदर बना हुआ था। तो साथ ही साथ एक और भी बात बताऊं तो सरकार से सहयोग मिलता है, राज्य सरकार से सहयोग मिलता है, लोन मिलता है, अच्छी कीर्ति भी व्यक्ति की होती है। तो यहाँ पर अपने आप में ये अच्छी रेखाओं के इंडिकेशंस यहाँ पर सूर्य पर्वत पर नज़र आए। आइए बात कर लें शनि पर्वत की। शनि पर्वत पर ये रेखाएं अगर मैं देखूं तो ज्ञान के पर्वत से भी आती हुई रेखाएं हैं, और साथ ही साथ शनि पर्वत पर अपने आप में स्वतंत्र रेखाएं खड़ी हुई हैं। इसे कोई छोटी मोटी उंगली या छोटी मोटी ऐसी मछली बता करके कोई भ्रमित करेगा तो वो भ्रमित है। यहाँ रेखाओं का संबंध है और सहयोगी रेखाएं हैं, सपोर्टिंग रेखाएं हैं। साथ ही साथ बृहस्पति पर्व से भी इतनी सारी रेखाएं आ रही हैं, मंगल पर्व से भी आ रही हैं। तो यानी कई कई साधनों से व्यक्ति के पास धन कमाने के स्रोत यहाँ पर बने हुए हैं। तो बृहस्पति पर्व से भी ये बने हुए हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको इनका एक सवाल का जवाब यहाँ देते चलता हूँ। इन्होंने पूछा था क्या मुझे पामिस्ट्री से कमाई होगी। बिल्कुल
बृहस्पति पर्व से ये रेखाएं जो शनि पर्वत को जा रही हैं, ये इस बात को इंगित करती हैं कि ऐसा व्यक्ति ज्योतिष और पामिष्टि के द्वारा धन कमा सकता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप पामिष्टि के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा यदि इसको गहनता के साथ सीखेंगे करेंगे तो उसके द्वारा पैसा भी आप कमा सकते हैं। तो आपके एक सवाल का भी जवाब दे दिया, साथ ही साथ आपने एक सवाल नहीं पूछा है, मैं आपको जवाब देता हूँ। ये बृहस्पति पर जो रेखाएं आपस में मिलकर के संपर्क जो बनाती हैं, उसको हम, जैसे मैं शोध करके पढ़ता हूँ, उसके साथ ऐसे व्यक्ति के पास कम से कम जीवन में 2 से 3 प्रॉपर्टी होती हैं, अच्छे सुख साधन वाहन भी होते हैं। आइए चलते आगे। अब ये यहाँ पे चलिए और यहाँ बात कर लेते हैं इनकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा पर यदि आप देखें तो एक आगे जाकर के बहुत जबरदस्त दीप बना हुआ है। आगे यहाँ दीप बना हुआ है, पीछे से रेखाओं का जुड़ाव भी है, और पीछे यहाँ पर इस तरह का एक दीप यहाँ भी नीचे की तरफ बना है, यहाँ भी एक नीचे की तरफ एक छोटा सा दीप बना है। जब जब ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो व्यक्ति को पत्नी से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इन्होंने बताया भी है कि मेरा जो है पहले एक तलाक हो गया है, तो इनके हाथ में भी था। आपको मैं बता दूं, इन्होंने पूछा है दूसरा विवाह, तो दूसरा विवाह बिल्कुल अभी मैं आपको बता देता हूं कि 2020 से लेके 2022 के बीच में बहुत कई बार संबंध आपके बनेंगे, इसलिए 2022 तक आप ये विवाह संपर्क निश्चित रूप से बना लीजिए। अगर आपने इसके बाद 2022 के बाद आपकी विवाह का योग यहाँ कहीं भी नज़र नहीं आता है, तो ये दूसरा विवाह का होगा। कैसा रहेगा देखिए भाई साहब, आप भोग काल लेकर के पैदा हुए हैं, पत्नी के साथ टकराव का, विवाह एक हो दूसरा हो, जैसा पहली पत्नी से टकराव ऐसा दूसरी पत्नी से भी टकराव है। तो इस बात का जरा संयम करके जीवन में आगे को चलना है आपको। अब चलते हैं आपकी यहाँ पर मंगल पर्वत पर। मंगल पर्वत अपने आप में अनुकूल पर्वत है यहाँ पर, और साथ ही साथ द्वितीय मंगल भी ठीक है। जब जब ये स्थितियाँ होती हैं तो आदमी को अपने साहस का बल बना रहता है, ये भी अच्छी तरह का एक इंडिकेशंस है। लेकिन आपकी जो जीवन की ये जो मस्तिष्क रेखा है, इसमें ये उतार चढ़ाव की सी जो रेखा है, ऐसे चढ़ी ऊपर को, फिर नीचे को उतरी, फिर थोड़ा सा ऊंची हुई, फिर नीचे से ढलवा हुई, और इस तरीके से बहुत जल्दी ऐसी रेखाओं का मैंने निर्णय देखा है। साथ ही साथ मंगल रेखाओं ने इनको बहुत ज़्यादा, इस मस्तिष्क रेखा को शुरू से आखिर तक काफ़ी रेखाओं ने यहाँ पर काटा हुआ है। ऐसा व्यक्ति ऊपर से जाके यहाँ ट्रायंगल लगता है, वो सूप ट्रायंगल नहीं, ये नीचे से काटती हुई रेखाओं को देखिए। तो ये अपने आप में इस बात को बिल करता है कि व्यक्ति बहुत जल्दबाजी के साथ अपने जीवन में निर्णय लेता है। तो ये अच्छी रेखाएं इस बात की उद्घोषक यहाँ पर नहीं निकली हैं, तो ये एक ध्यान करने की बात है। तो आप मस्तिष्क पर नियंत्रण रखिए थोड़ा सा, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब बात कर लेते हैं आपके एक और चीज़ की। देखिए बाकी मैं पर्वतों को बताता जाऊँगा और साथ ही साथ बताऊँगा। एक सबसे पहले देखिए, एक आपकी ये भाग्य रेखा, और इसके ऊपर एक जबरदस्त दीप, ये यहाँ से झूला, इस रेखा को सपोर्ट करता हुआ यूँ मुड़ गया ऐसे करके। अब इधर से देखिए आपकी भाग्य रेखा में, यहाँ से ये दूर स्थानों से जुड़ी रेखा, इधर की तरफ से देखिए ये कटाव, ये नीचे भी है आगे भी है। यदि मैं 35 से कहूँ, पहले 35 साल से पहले कहूँ, तो कितनी बार आप भ्रमित हुए हैं कि ये कर लूँ वो कर लूँ, कई बार ट्रांसफ़र हुए, कई बार चेंजिंग हुए, बदलाव हुए, मस्तिष्क रेखा में ये सब टकराव हुए। और इसके बाद में यदि बात करूं मैं आपकी यहाँ 35वें वर्ष से, तो एक ये रेखा अगर आपके पास ना होती तो आपको खाने के लाले पड़ जाते। और बात की यहाँ पर भ्रमित क्षेत्र, ये देखिए यहाँ पर आपका कितना ये भ्रमित क्षेत्र है, यहाँ रेखाओं ने काटा हुआ है, आगे भी काटा हुआ है, इधर से भी सपोर्टिंग रेखा मिलती है। यानी रेखाएं स्वतंत्र रूप से यहाँ पर अगर मैं देखूँ, अगर भाग्य रेखाएं मिलती हैं तो उनके साथ जीवन में बदलाव, कटराव, कटाव, और साथ ही साथ मस्तिष्क रेखा पर इतना बड़ा कटाव इस बात को भ्रमित करता है कि व्यक्ति जीवन में ये सोचता कि कुछ काम करूं, वो काम करूं, ये काम करूं। चलिए मैं बता देता हूं क्या काम करूं आप। तो आपने दूसरा पूछा, जॉब करता हूं, क्या साइड बिजनेस, फुल बिजनेस करूं? फुल बिजनेस की रेखा ही आपके हाथ के अंदर नहीं है।
आपके अंदर ये जो रेखा, अगर आप इसे बिजनेस की रेखा समझते हैं तो ये रेखा बिजनेस की रेखा नहीं है, ये शुक्र पर्वत पर जाने वाली रेखा है, बुध पर्वत तक पहुंचती है। हाँ मानता हूँ कि हो सकता है कि ससुराल पक्ष से थोड़ा धन मिल गया हो ज़्यादा, या शुक्र पर्व से, यानी कभी कभी नृत्य से, गायन से, या तुम्हारी फिल्म से, एक्टिंग से, किसी शेयर बाजार से, किसी चीज़ से धन मिलने के यहाँ योग दिखते हैं, लेकिन ये व्यापारिक रेखा नहीं है। तो भाई साहब मैं आपको बता देता हूँ, न्यूज़ रीडिंग वाले क्षेत्र को छोड़ दीजिए, फिल्म एडिट वाली की छोड़ दीजिए, एक्टिंग वाले को छोड़ दीजिए, शेयर बाजार को छोड़ दीजिए, ये चारों को चारों सिर्फ शौकियाना रूप से रखिए। अगर मौके में कोई पैसा दे रहा है तो इस्तेमाल कीजिए, वरना साय समय अपना व्यर्थ मत करिए। आपकी भ्रमित होती इन रेखाओं ने आपको साफ बता दिया, तो ये कोई क्षेत्र नहीं बनता। दो क्षेत्र बनते हैं आपके, आप चाहें तो पामिस्ट्री और ज्योतिष गहन अध्ययन के साथ अगर सीखेंगे तो उससे आप थोड़ा अपना सकते हैं, और साथ ही साथ जो बिजनेस बनता है, क्योंकि आपका जो शनि पर्व है वो अच्छा है और कुछ मंगल का सपोर्ट मिला है, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वाला जो काम कर रहे हैं आप, उसे यदि आप बिजनेस के रूप में अपनाएंगे तो आपको फायदा होगा, और कब से फायदा होगा ये भी बता देता हूँ। देखिए आप इसको अपनी उम्र के कम से कम, यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये 46वां वर्ष यहाँ से ऊपर जहाँ कट लग करके शुरू हो रहा है, यहाँ से 46वें वर्ष के बाद में एक सपोर्टिंग रेखा यहाँ, और इधर से सपोर्टिंग रेखा यहाँ, और इधर से, तो जीवन के 46वें वर्ष के बाद आप व्यापार में हाथ डाल सकते हैं। तो उसमें आपको ऑर्गेनिक वाले क्षेत्र को अपनाएंगे तो म्यूजिक वाला क्षेत्र यहाँ नहीं मिलता, शुक्र से सपोर्ट है, पैसा मिल जाएगा बिजनेस के रूप में, वो आपको ज़्यादा सफलता यदि मैं कहूँ तो उसमें नहीं मिलेगी। तो चलिए साइड वाइड करते रहिए, इस तरह का कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ता। आपने कहा गुरु की सेवा कर पाऊंगा, अरे भैया बृहस्पति पर्व पर इतने ज़बरदस्त ब्रैकेट्स बने हुए हैं, अगर आप गुरु की सेवा नहीं करोगे तो भाई कौन करेगा? तो गुरु की सेवा कर पाओगे, मंदिर बना पाओगे, ट्रस्टों में दान दोगे, ये यहाँ पर अच्छी प्रकार से आपकी रेखाएं इस बात को बता रही हैं। तो सवाल तो आपके हो गए, अब आप मैं आगे आगे पढ़ता हूँ। आइए आगे देख लेते हैं आपके चंद्र पर्वत को। यहाँ चंद्र पर्वत, और चंद्र पर्वत पर मैंने जैसे कि वहाँ बताया था कि मस्तिष्क रेखाओं का संबंध जो है वो ज़्यादा, यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये पीड़ित रेखाएँ, इनको मैं कह सकता हूँ रोग रेखाएँ कह सकता हूँ, चंद्र पर्वत से जुड़ करके आ रही हैं। तो ज़रा मस्तिष्क पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और ये समय समय पर कभी कभी दूर की पास की यात्राएँ, और इवन विदेश तक की भी यात्रा आप जीवन में कर लोगे, तो ये थोड़ा सा इस बात को आपको ध्यान रखने की। एक और बात, केतु से संबंध शुक्र रेखा का बन रहा है, चरित्र के प्रति विशेष रूप से सावधानी रखने की जरूरत है। तो चंद्र पर्वत का हल बताया मैंने आपको, आइए शुक्र पर्वत को देख लेते हैं। ये शुक्र पर्वत है, शुक्र पर्वत भी अनुकूल है, ज़्यादा लग्जीरियस जीवन नहीं, तो जीवन में कोई कमी भी आपके में विशेष रूप से नहीं है। आइए आपकी ये देखिए, एक अंदर रेखा है, इसको सपोर्टिंग रेखा, संजीवनी रेखा कहते हैं, जो जीवन की मुसीबतों से निकालती है। आयु रेखा की बात करें तो आयु रेखा आपके पास अनुकूल है, अभी 74 वर्ष की आयु है, आगे भी बढ़ सकती है, तो ज़्यादा इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो आपके सभी पर्वतों को, सभी रेखाओं को, सभी चीज़ों को पढ़ा, मेरा कुल मिला करके आपसे ये कहना है सारे भात के निचोड़ में, कि जरा मस्तिष्क को नियंत्रण में रखिए और सही तरीके से डिसीजन लीजिए। अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस फिंगर के अंदर एक फायर ओपल पहन लीजिए। ये क्या पहन रखा मुझे नहीं पता, फायर ओपल पहनना चाहिए आपको। तो यहाँ फायर ओपल पहन लीजिए इस वाली फिंगर में, विवाह भी बनाएगा, व्यवसाय भी बढ़ाएगा, ज्योतिष कार्य भी कराएगा, और ज्ञान में बहुत फायर लाएगा, एकदम बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर बनता है आपका ओपल, साथ ही साथ आपको अपनी पूजा में रुद्राष्टकम, शिव पूजा, और साथ ही साथ शिव जी की जितनी भी पूजा करेंगे अच्छा है, और बजरंग बाण पढ़िए, इतना भर के ये आपके जीवन में सभी सुख सुविधाएं मिलें आपको, यही मेरा शुभ आशीर्वाद है। नमस्कार।